मॉर्निंग एवरीवन। तो छुट्टी का दूसरा दिन है। कल हमने बहुत ज़्यादा बाहर जाके शॉपिंग वगैरह करी और आज ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। वाइफ को जाना है काम पे। साथ में छुट्टी होती है तो बहुत अच्छा स्पेंड होता है। आपस एडिट करनी है वीडियोस, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो नहीं डल रही, तो आज बहुत कुछ करना है घर ही घर में। लेकिन हाँ, ग्रोसरी की शॉपिंग रह गई थी कल, वो भी करने जानी है। तो भाई ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, चाय बन गई, ब्रेड भी रेडी है। सुबह के बज रहे 7:30। तो दोस्तों अपनी चाय हो चुकी है और वाइफ जा रही है। कहाँ गई? ओए कहाँ गई? ओके बेबी, अपनी नई टी शर्ट दिखा दो। बाय, एवरी स्माइल माय कट्टी फ्रेंड्स। भाई मिला बच्चा, गुल्लू पुल्लू कच्चा, पुच्चू कच्चू, लवी मिचू। एक बात और, मैं फिर शूज बुक कर लूंगा था अपने। ओके बाय। ओके दोस्तों, वाइफ के जाने के बाद मैंने घर पे बात करी और वो लैपटॉप लेके बैठ गया और बज देखते देखते टाइम 3:30 बज गया। अब मैं रोटी बना रहा हूँ, भूख लग रही है बड़ी तेज। उसके बाद शॉपिंग करने भी जाना है, फिर वाइफ खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो साथ में ही हो सकता है। वहाँ पे स्टॉप रास्ते में पड़ता है तो साथ में आ जाए, मेरी सामान भी हेल्प हो जाएगी मेरी। ऐसी रोटी बनी है भाई, मेरे से अच्छी नहीं बनती रोटी, तभी मेरा मन नहीं करता बनाने का। 4 तभी तो बज गए। फाइनली हम घर घर से बाहर निकल गए। बहुत शोर मच रहा है, हमारे मकान मालिक घास काट रहा है। हेलो। सो भाई अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए, घास से काट रहा था ये, फिर अब घास होने लगी है बड़ी। यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, इंसान का टाइम पास हो जाता है जो घर पे रहता है उसका। घर इतने बड़े बड़े होते हैं, करते रहो गार्डनिंग। बाकी जिनकी जॉब होती है उन पे इतना काम होता है, थोड़ा पूरा दिन ही जॉब में निकल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता ही हूँ। क्या है कि चलो 3 दिन छुट्टी मिल जाती है, 4 दिन काम पर जाना होता है। 40 घंटे करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करता। लोग करते हैं, 2-2 जॉब पकड़ लेते हैं, अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो 3 दिन छुट्टी है, 4 दिन जाना है। जिस दिन होगा इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, उस टाइम सोचेंगे, देखेंगे करनी है तो। जितना जल्दी अमाउंट उतारोगे उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे लाइफ में, उस टाइम पे ये हो जाता है। घासों में ऐसे पीले 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 फूल उग जाते हैं खुद ही, ब्यूटी बढ़ाने के लिए। लेकिन सब ये हटा देते हैं, ये देखो सब काट देंगे। खच 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 खच। इस समर की पहली कटाई हुई है सबके घरों में, पहली बार घास काटी है सबने। और सामने देख रहे हो, 2 डॉगी घुमा रही है और साथ में पन्नी भी रख रखी होगी, कहीं पे करेंगे तो इन उसी को उठानी पड़ेगी। घुमा रही है, घुमा रहा पता नहीं। एक तो सभी हाबू वाली जैकेट पहन के रखते हैं ना, तो पता नहीं लगता लड़का है लड़की है। वैसे लड़कियों पर ज़्यादा जस्ती है, यहाँ पे लड़के भी पहनते हैं। तो गाइस पहुँच गए अपने शॉपिंग मॉल फूड बेसिक, एक ही है यहाँ पर। और मैडम पहले ही पहुँच चुकी है, मेरे से बस 10 मिनट पहले पहुँच चुकी, लेकिन अब करेगी। हाँ आ गई, मैं ही पहले पहुँच गई, ओरी 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 ट्रॉली लेके। और ट्रॉली छोड़ दी उसने, बेकार होगी, चल नहीं रही होगी। ये देखो मैडम को बैग रख दिया इसने, इसमें क्या हो गया, चल नहीं रही, खचड़ खचड़। ये चल दी मैडम की ट्रॉली। ओहो आज ये ड्रेस पहन के गई थी आप? शॉपिंग कर ली भाई, मिली है मोहतरमा से। सामान है भारी लगेगा, और कुदरत के नज़ारे लेते हुए जा रहे हैं। अच्छे 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 प्लांटिंग हो रखी है इसमें, बहुत दूर दिखता है। फ्लावर्स उगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। घास उग गई, खा लो बेबी घास। फ्रेश एयर। ये देखो भाई कैसे उगे हुए हैं। क्या देख रहे हो, घर पे ही देख लो। ये देखो पहले रेड होता है, येलो होता है, फिर रेड एंड येलो हो जाता है मिक्स। कमाल की चीज़ है भाई। गुलाब भी रोज भी हो गए अभी इसमें। खोल बेटा, चलिए खोलो। तो भाई हम लेके आए थे केसर पिस्ता आइसक्रीम, मस्त। और यहाँ पे ब्लॉग एडिट हो रहा है। तो
भैया आज बनाए पास्ता, चावल और दाल मखनी। किस खुशी में? आज बंदा की, आज बंदा की भैया जी आए। भैया जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो छुट्टी का लास्ट दिन है, कल से फिर से का और मैडम की भी छुट्टी आज। हेलो मैम, कुछ खाना? यह है ऑमलेट। मस्त ब्रेकफास्ट बना, देखो एकदम गोल टूटा नहीं आज, मस्त एकदम भार जैसा, पहाड़ों जैसा, बड़ा बड़े बड़े वाला ऑमलेट, मस्त लार्ज साइज। चाय बन रही है? चाय ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ बढ़िया। रोटी रोटी ना बनते मेरे, अब नई वाली चाय पत्ती डाली थी इसमें ना, दो घंटे से कॉल सेंटर हमने कॉल रखा है, अंदर ही रहना पड़ता है। मिलो, तुम से कंचा बोला करो, ऐसी बात करता है। बताऊं? एक बार बोलो, मुंह चिढ़ा दिया, उसकी हरकत तो देख लो पहले। मुंह चिढ़ा तो बोला है। हाँ तो हाँ, तो फिर तूने भी तो दोनों ने कर लिया ना, फिर कमी किस में रही? जो एक ना करे तो सामने वाला बोले। बाबू बना रही है पराठे। बाबू पराठे कैसे बना सकता है? बाबू पराठे पराठे सब कुछ बनाता है बाबू। देखो बाबू लगाया घी, इत बहुत बड़ा छोटी चम्मच ले रहे हो, बहुत बड़ा छोटी चम्मच। तो भाई बन रहे पराठे, खाते हैं पराठे, प्रभु के दिन गुड़गांव दाल रोटी खाओ, पराठे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों हमने दिन में बढ़िया से पराठे वराठे दाल वाल खाने के बाद क्या करा बेबी, जल्दी से बता दो। मूवी देखी फिर बताओ। तो कौन सी? कौन सी? कौन सी? वो एक जानवर का नाम है, गेस करो। जानवर नहीं, जल्दी बताओ। इट्स एन इंसेक्ट, कीड़ा, मतलब बिच्छू। बिच्छू बिच्छू मूवी दिखाई है ना, इसके पुराने पुराने पिक्चर जो देखी भी नहीं। कभी कौन सी पिक्चर आप इनमें इज्जत लोग देख रहे हैं, इनमें से भी 10% लोगों ने देखी होगी, इतने कोई पॉपुलर नहीं है। क्योंकि मैंने उसके गाने सुन लेते, बस गाना सुना। मैं आपको सुन भी खाता हूँ, वो भी सुन भाई। टोटे टोटे हो गया और दिल वंस इन फॉल इन लव इन लाइफ, तो ये सारे गाने मैं बोला आप सुनते हो, आपको पता भी इस पिक्चर का। फिर हमने पूजा वगैरह करी नहा धो के, और अब मैं करूंगा अपने लैपटॉप पे काम जब तक मैडम कर लेगी चाय, खाना रेडी तैयार। जब मेरी बारी आएगी तब बुला लेना भाई, आटे की। हमारी एडिटिंग चल रही थी, बाहर से बुलावा आ गया, बोल रही है रोटी में साथ दे दो मेरा, खाने में बनाने में। तो अब हमारे डिनर की है बारी, सैंडविच बना है साथ में, बनी है ओके कैनेडियन सैंडविच एंड आलू गोभी की सब्जी बनी है मटर के साथ, एवोकाडो सैंडविच, एवोकाडो सलाद, एवोकाडो। ओके खाते हैं फिर, मौज लेते हैं जिंदगी की। हेलो गाइस, तो आज है सैटरडे और काम पे जाना है, तो वाइफ की आज सैटरडे संडे छुट्टी होती थी वैसे, लेकिन आज सैटरडे को जाएगी क्योंकि फ्राइडे उसने ऑफ ले लिया था एडवांस में, ताकि हम शायद साथ में टाइम स्पेंड कर सके पूरी छुट्टी। चाय रेडी हो चुकी है, मैं निकलता हूँ, उसके बाद वो भी निकलेगी, उसका भी टाइम है, वो भी उठ चुकी है, वो भी रेडी हो रही है। तो दोस्तों बढ़िया मौसम हो रहा है, अब निकलते हैं जल्दी जल्दी, 6:20 की बस है, लेट हो गया चाय के चक्कर में, चाय रखना ही भूल गया था। अब जा रहा हूँ जल्दी जल्दी वॉकिंग, और मौसम बढ़िया हो रखा है। तो आपको एक बात बता दूँ भाई, अगर एक कपल इंडिया जाता है तो उसका खर्चा कितना आता है? पूरा पूरा 7 लाख का खर्चा बैठता है इंडिया आना जाना कनाडा से एक कपल का। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम पे बता रहा हूँ सब कुछ, मैक्सिमम तो आप कितना ही कर सकते हो, मिनिमम तो मिनिमम 4 लाख की टिकट होगी आने जाने की, 1 लाख की एक साइड पड़ती है, 1% की, ठीक है, तो 4 टिकट हो गई 2 बंदे की, और 4 लाख ही हो गया। और उसके बाद बात आती है कि भैया रेंट, रेंट मिनिमम टू मिनिमम शेयरिंग पे जाएगा तो 1200 हमारा जाता है अभी, तो उसके बनते हैं 72,000, 4,72,000 हो गए। उसके बाद बात आती है जो यहाँ पे आप काम कर रहे थे, 1 महीना आपका काम छूटेगा, तो ये भी मैं मिनिमम पे कॉस्ट करूँगा, 2 कपल मिलके इजीली मिनिमम टू मिनिमम 3500 यहाँ पे कमा लेते हैं, 3500 मिनिमम बता रहा हूँ 2 की, एक पार्ट टाइम में करेगा, फुल टाइम भी करेगा तो 8 घंटे के हिसाब से, ठीक है ना, तो 3500 के अपने 2 लाख अप्रोक्सीमेट मैं यही लगा लिया, तो कितने हो गए 4,72 और 2,76,000, बाकी तो
छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, जा रहे हैं तो जाने से पहले ये खरीद लूँ ले लूँ ये कर लूँ, तो अप्रोक्सीमेट मैं 7 लाख बता रहा हूँ मिनिमम कॉस्ट पे। अब आप ये एंड वक्त पे करते हो, आपको कनाडा जाना पड़ रहा है, कपल हो, तो यही 7 लाख आपको 8-9 लाख के आसपास पहुँच जाता है, क्योंकि उस टाइम पर टिकट महंगी मिलती है, 1 लाख की एक साइड की नहीं मिलती, फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली टिकट करानी पड़ती है। तो ये सारा चक्कर है भाई, इसलिए लोग यहाँ पे 2-2, 3-3 साल निकाल देते हैं, इंडिया नहीं जाते। कहने में इजी लगता है कि भाई क्यों नहीं जा रहे, इतने साल हो गए यहाँ पे, तुम सब कुछ तो खरीद रहे हो, फ़ोन ले रहे हो, ये कर रहे हो, इंडिया नहीं जा सकते, तो भाई बहुत ज़्यादा बजट हिल जाता है और काम छूटता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो वही है, सीधा सीधा फटका उसका लगता है, किराया जा रहा है, मतलब सूखा सूखा हमारा 3 लाख तो ऊपर का ही गया बेवजह, जो कि हमारा यहाँ का रेंट और हमारी जॉब छोटी वो अलग, तो ये फंडा होता भाई। तो दोस्तों ऑफ हो चुका है, घर जा रहे हैं, और बाकी कुछ सामान भी मिला है वो घर जाके दिखाएंगे। तेरा बैग क्या मिला है? चॉकलेट वगैरह हो गई शायद, क्योंकि इनका मतलब बर्थडे कर गया था, कुछ बर्थडे होगा शायद बेटे का, इस दे बोलते हैं ना संडे उसको, दे बोलते हैं। बाकी मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, घर जाके बात करूँगा क्या सामान है क्या नहीं है, वो घर जाके दिखाता हूँ, जुड़े रहना, थैंक यू। फ़ोन की बैटरी हो रही थी डाउन और हमारी भी हो रही है डाउन, क्योंकि भैया नींद आ रही है बड़ी तेज, तो हमने पावर बैंक से थोड़ा सा चार्ज कर लिया। आप बताते हैं भाई ये मिला है तो उसको उनको बर्थडे वर्डे होता होगा जो ये खुला था उस दिन, आज के दिन तो सबको दिया है इसमें, आई थिंक चॉकलेट के बॉक्सेस होंगे, बस यही बाटा है। मौसम बढ़िया हो गया, देख रहे हो कितना ग्रीन 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 ग्रीन, और चिड़िया अभी भी जैसा आ रही है दोपहर में भी, बताओ तबीयत खुश हो जाती है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल, यही पहले येलो थे रेड हो गए और ये कुछ रेड येलो हो रहे हैं, ये कलरफुल है बेबी पुछी। ये देखो क्या लाया हूँ, बे लॉन्ड्री ले जाओ, यहीं खोल के देखोगे, वो हमने खोल के भी देख लिया, झुका है वो ले रहा, मेरे को तोड़ना है, कैसे तोड़ू, काट लो वहां से नीचे से बिल्कुल, तो नीचे से निकालना पड़ता है, नहीं उखाड़ना नहीं होगा उसको, बस काट, ऐसे नहीं होता प्याज तो नीचे मिट, ये बंद देखो देखो जाके खुश होली, मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, चॉकलेट आवाज आ रही है अंदर से है, फिर आ गया नया बैग है डब्बे का कंपनी के, बेस्ट वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे, इस बार कुछ नया है कि नहीं पता नहीं, देख ले लिपस्टिक ही है, बट आई थिंक दिस इज लिप प्रोटेक्टेड स्टिक, ट्रांसपेरेंट वाली होगी ये, दिस इज जैसे हम अपने सनस्क्रीन लगाते हैं ना, इससे स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट है, बढ़िया है ना चॉकलेट, एक्सपायरी डेट देख लेना लेकिन, इसमें भी कुछ तो है, कुछ तो है, तो भाई ये मिली है महंगी महंगी चॉकलेट्स, एक नहीं दो, तो भाई आने के बाद नहा धो लिए, पूजा पाठ हो चुकी है हमारी, जय बजरंगबली, मैडम अंदर ही नहीं आई, वो भी काम में लगी हुई है, खाना बना रही है, क्या कर रहे हो बेबी, जब से खाने पे लगे हो पूरा रेडी करके ही करी, क्या एक बार ही पूरा रेडी कर लिया, 8 बजे बंदी बैठी भी है, आप खाना 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 पूरा ही रेडी करके मानी है, भूख लग रही है क्या, अब तो डाल भी दी, मस्त मस्त खाना रेडी हो चुका है, दाल प्याज पत्ते ग्रीन ऑनियन वाली हमने अपने गार्डन से तोड़ा, अपने गार्डन से तोड़ के बनाई, प्याज पत्ता, दिस इज कुकुम्बर, रायता, मैंने गोभी पराठे बनाए, वाओ, दो गोभी के बाकी प्लेन रोटी मस्त है, खाते भूख लग गई अब देख के।